हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 को अध्ययन कर लिए थे, जो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना था। आज हम लोग जो है उसी कड़ी का जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, प्रश्नावली 3.4 है। पेपर की दृष्टि से कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, वो कुछ प्रश्नों का हम बता देंगे बताते समय कि कौन से प्रश्न बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका अध्याय है ये विलोपन विधि से लगाना है। विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी पद को, एक पद को विलुप्त कर देना, किसी भी एक पद को विलुप्त कर देना ही क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास कराते कराते करते करते आपको भी आ जाएगा अच्छे से, प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप लोगों का टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी करा दोनों विधि से आपको लगाने हैं और आपको बताना है कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है। तो चलिए, प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने हल करके देख ली है, अब विलोपन विधि क्या होती है वो सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 क्या है? पहले का पहला सवाल है डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 5 है। और क्या है दूसरा समीकरण? क्या है डियर स्टूडेंट, 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 4 है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ किसी एक पद को विलुप्त किया जाए, चाहे x वाला पद इन दोनों में से विलुप्त हो जाए, चाहे y वाला पद इन दोनों में से एक विलुप्त हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझो कि विलुप्त होने का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा कि 4x में से 2x घटा दिए तो 2x बचा, ये विलुप्त नहीं हुआ अभी, अभी तो 2x बचा। हाँ, अगर यहीं -4x रहा होता तो ये विलुप्त हो जाते। तो वही होता है, विलुप्त का मतलब वो पद का मान शून्य हो जाए। आइए सोचिए जरा सा, आप क्या सोचेंगे, यहाँ x है, कितना है प्यारे बच्चों, x है। अगर यहाँ पर 2 रहा होता तो 2x में से 2x घटाने पर ये दोनों पद क्या हो जाते, विलुप्त हो जाते, तो विलोपन विधि यहाँ काम आ जाता। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब सोचोगे कि सर यहाँ से 2 कहाँ से पाए, तो प्यारे बच्चों इस पद में देखिए 2 है, तो इसी पद से 2 का गुणा कर देंगे और इसमें जो पद रहेगा उसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे समीकरण 1, 2 गुणे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। आपने क्या किया कि 2 का गुणा समीकरण 1 में करना है, फिर 2 को घटा देना है। तो चलिए, 2 का गुणा समीकरण 1 में करोगे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा, बराबर 2 पंचे कितने आ गए, 10 आ गए डियर स्टूडेंट। अब समीकरण 2 को इसमें से घटाना है, पहले लिख लीजिए समीकरण 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। डियर स्टूडेंट, माइनस करना है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखिए, ये प्लस माइनस वाले पद विलुप्त हो गए, तो इसे कहते हैं विलोपन विधि। एक पद विलुप्त हुआ ना, अब देखिए 2y और 3y, इससे मत ध्यान दीजिए, यहाँ जो निशान है प्लस 3y और 2y, जोड़ के कितने हो गए, 5y। ठीक, 10 में से 4 घटा दिए कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये 5 इधर कर देंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 6/5। यानी यहाँ से y का मान कितना मिल गया, 6/5 मिल गया डियर स्टूडेंट। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए x है प्लस y है बराबर कितना है, 5 है। तो x के स्थान पे नहीं रखना है बल्कि y के स्थान पे रखना है, y के स्थान पे क्या है, 6/5 बराबर 5। तो ये प्लस 6/5 है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये प्लस 6/5 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 एक का LCM ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट चलिए समझते हैं, 5 एक का LCM लेते हैं, तो 5 एक का LCM लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 बचे 25, 5 बचे 25 आ गए, फिर
एक छक्के छः, तो 25 में से 6 घटा दिए कितना आ गया 19/5। ये x की वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। तो ये होती है डियर स्टूडेंट विलोपन विधि, आपने x का भी मान और y का भी मान ज्ञात कर लिए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका जो पहले का पहला पार्ट था वो समाप्त हो जाता है डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरा सवाल क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, 3x + 4y = 10। 3x + 4y = कितना है 10। समीकरण नंबर एक बना लीजिए। फिर क्या है 2x - 2y, 2x - 2y = कितना है 2 है। समीकरण नंबर दो बना लीजिए। अब आप सोचिए जरा सा, फिर से एक पद को विलुप्त करना है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो आप सोचिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है। तो मैंने बार बार बताया कि जो इसमें जिसका पहला पद आए आप 2 का मल्टीप्लाई समीकरण एक में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई समीकरण दो में कर दो। देखिए तो जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे घटा देंगे तो एक पद विलुप्त हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सबसे इजी तरीका है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं बोलना है प्यारे बच्चों। आप क्या करेंगे, इसका पहला पद 2 दिखाई पड़ रहा है तो 2 का गुणा इन सब में, और जो इसका पहला पद है 3, 3 का गुणा इन सब में और घटा दो, एक पद विलुप्त आराम से हो जाएंगे। तो आइए क्या लिखते हैं, 2 × समीकरण 1 - 3 × समीकरण 2 से। आइए 2 का गुणा समीकरण 1 में करोगे 2 × 3 = 6x, फिर 2 × 4 = 8y, 2 × 20। ठीक प्यारे बच्चों, फिर 3 का गुणा 3 × 6x, 3 × 6y, 3 × 6। ये देखिए अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो देखिए ये कैंसिल हो गए। 8 और 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 14y। डियर स्टूडेंट इस माइनस से आपको लेना देना नहीं रहता, ये अंतिम निशान से लेना देना है। अब 20 में से 6 घटा दिए कितना आ गया 14, 14 से 14 कैंसिल हो गए, y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा था तो 1 आया था। ठीक, अब y की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x + 4y = 10 है, तो 3x यहाँ लिखे रहेंगे प्लस 4y के स्थान पे कितना है 1 है, बराबर कितना है 10 है, 4 × 1 = 4, तो 3x + 4 = 10। 4 उधर चले जाते हैं तो 3x, अब ये जो प्लस 4 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो 10 - 4, तो क्या आ गया इधर 3x = 10 में से 4 घटाए कितना आया 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x = कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू आपका आ गया 2। अब यही x का मान और y का मान आपको ज्ञात करना था जो आपने ज्ञात कर लिया डियर स्टूडेंट। इस प्रकार आपका जो पहले का दूसरा पार्ट क्वेश्चन था वो समाप्त हो जाते हैं। प्यारे बच्चों इसका जो तीसरा नंबर है सेम टू सेम ऐसे ही है, आप उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। अगर नहीं आता डियर स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको बता देंगे आपके सवालों को। तो चलिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नहीं इसका फोर्थ नंबर देख लेते हैं। पहले का फोर्थ नंबर क्या है, x/2 = 2 + 2y/3, 2y/3 बराबर क्या है -1 है, क्या है बराबर -1 है, और क्या है समीकरण नंबर आप इसे 1 बना लेंगे, ठीक, या तो इसे ना बनाओ भी। फिर और क्या है प्यारे बच्चों, x - y/3 = 3 बटे 1 कर लो / 1। ठीक, अब देखिए 2 और 3 ठीक, 2 × 6 = 6 से गुणा कर दो, ठीक, 3 × 1 = 3 का गुणा यहाँ कर देंगे सब में, या तो आप क्या कीजिए 2 3 का लसप ले लीजिए 6 आ गए, 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे
तो 3x, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2 × 2 = 4y बराबर -1/1। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे। इधर ध्यान दीजिए, 3x का एलसीएम कितना आ गया, 3, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3x, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे -y बराबर 3/1। इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे। अब सोचिए, 3x प्लस 4y का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं, 3x प्लस 4y बराबर 6 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे -6, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस क्या आ जाएगा, वाई, 3 × 9, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, ये 3x, ये 3x, ये 3x, ये 3x, दोनों पद एक ही हैं, तो हम माइनस कर देंगे, दोनों पद विलुप्त हो जाएंगे, यानी किसी का मल्टीप्लाई यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6 है, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9 है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस, ये माइनस, ये माइनस का उल्टा प्लस, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये पद विलुप्त, प्लस माइनस कैंसिल, 4y और 1y जोड़ के कितने हो गए, 5y, ये माइनस आपका प्लस हो चुका है, यहाँ 1y है, ठीक। अब -6 -9 जोड़ के कितने हो गए, -15, 5 × 5 = 15, वाई बराबर -3 आ गया। क्या आ गया, वाई बराबर -3। यही वाई का मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो देखिए, ये समीकरण 2 बना के रखे, तो आप इसको इधर नोट कीजिएगा, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x के स्थान पे कुछ नहीं रखना है, माइनस वाई, वाई के स्थान पे क्या है, माइनस है, तो -3 हो गए बराबर 9। तो ये 3x माइनस माइनस प्लस बराबर 9, ये प्लस 3 उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -3, तो 3x बराबर 9 -3, तो 3x, 9 में से 3 घटाओगे 6, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, x बराबर कितने आ गए, 2। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू और किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लिए। तो ये रहा आपका पहले का फोर्थ नंबर, डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए, दूसरा सवाल आप लोगों से क्या कर रहा है, तो विलोपन विधि बच्चों सबसे सरल विधि होती है, कुछ नहीं करना रहता है डियर स्टूडेंट। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, क्या करना है, केवल आपको उसी पद में देखना है, पहले पद का मल्टीप्लाई दूसरे पहले आपके उससे पहले वाले समीकरण में कर देना है और उसका दूसरे वाले समीकरण में कर देना, जैसे भी हमने बताया था। चलिए अब इस क्रम को बदलते हैं, दूसरे का पहला नंबर। तो दूसरे का पहला नंबर कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, फिर से हम समझाते हैं, मानते हैं, माना अंश x है, हर क्या है, y है। तो सबसे पहले आराम से लिखेंगे, माना अंश क्या है, x है, अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। जरा समझिए, जब जिसका अंश x है हर y है तो वो भिन्न हो जाएगी x/y, क्या हो जाएगी, x/y। अब समझिए प्रथम शर्त, क्या प्रथम शर्त, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए। अंश ये है, अंश में जब 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, हर कौन है, ये है, तो हर में 1 घटाओगे तो y - 1 हो जाएगा, ये भिन्न 1/1 में बदल जाती, 1 कह रहा है तो 1/1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x + 1 का मल्टीप्लाई x करो कोई फर्क नहीं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो y - 1 हो गए। अब थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं इनको, आगे पीछे जो है, तो ये x हो गए, ये y पद यहाँ पर आया तो -y हो गए, ये आपके +1 थे, या तो आप क्या कीजिएगा, ठीक इधर कर लीजिए, तो ये +1 थे, ये -1 इधर आया तो क्या हो गया, +1 हो गए, बराबर उधर कुछ नहीं था, 0। x - y 1 जोड़ दिए कितना आ गया, +2, बराबर क्या आ गया, 0,
समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक बना लिए। इसी प्रकार क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, इस बार हर में केवल एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश वही रहेगा, हर में एक जोड़ दे तो y प्लस एक, तो वो भिन्न एक बटे दो हो जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, एक बटे दो हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो दो का मल्टीप्लाई x करोगे तो दो x, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो y प्लस एक आ जाएंगे। अब इनको इधर ला दीजिए तो दो x, ये y इधर आया तो माइनस y, ये प्लस एक इधर आया तो माइनस एक बराबर जीरो, समीकरण नंबर दो। ठीक, अब क्या करेंगे आप देखिए जरा सा, समीकरण एक समीकरण दो को देखिए, तो यहाँ दो है यहाँ दो नहीं है, तो दो का गुणा समीकरण एक में कर दें और घटा दें तो आपके ये जो भाग हैं, ये जो x वाला पद है क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ दो है ना, तो इसी दो का मल्टीप्लाई समीकरण एक में करेंगे, तो दो गुणे समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, क्या हमने बताया, दो गुणे समीकरण एक माइनस समीकरण दो, ये दो का गुणा समीकरण एक में, तो करो ये दो एक्स आ गए, फिर क्या आ गए, माइनस दो वाई, फिर दो दूनी चार बराबर जीरो। अब ये आपको कुछ नहीं करना है, ये दो एक्स, फिर क्या है, माइनस वाई है, फिर क्या है, माइनस एक बराबर कितना है, जीरो। अब देखिए क्या करना था, माइनस ये प्लस ये भी प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गए, माइनस दो वाई प्लस वाई, माइनस दो वाई में से प्लस वाई घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। ठीक, अब देखिए चार और एक कितने हो गए, पाँच हो गए, तो ये प्लस पाँच आ गए बराबर क्या आ गए, जीरो। अब प्लस पाँच उधर चला जाता है तो क्या हो जाएंगे, माइनस पाँच, माइनस माइनस से कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया, पाँच आ गया। अब वाई का मान आप समीकरण एक या समीकरण दो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वाई बराबर पाँच समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो। तो चलिए अब यहाँ वाई के स्थान पे क्या रख देंगे, वाई के स्थान पे आप रखोगे माइनस पाँच, ये प्लस दो बराबर जीरो, तो माइनस पाँच में से दो घटाओगे तो माइनस तीन आ जाएंगे बराबर जीरो, माइनस तीन उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस तीन। तो आपको x और y के मान ज्ञात करने थे तो ये आ गए। अब आपने माना क्या है, भिन्न, आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न थी x बटे y, और x का मान कितना है, तीन है, और y का मान कितना है, पाँच है। तो इस तरह से आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको चेक करना हुआ डियर स्टूडेंट आपके सवाल सही हैं या गलत हैं, तो x का मान तीन, तो यहाँ रखिए x का मान तीन रखेंगे, यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा, तीन एक चार, y के स्थान पे पाँच रखोगे, पाँच में से एक घटाओगे चार, और चार बटे चार कैंसिल कर दोगे तो आपके क्या आएंगे, एक बटे एक ही आएगा। अतः इससे आप समीकरण को यानी अपने क्वेश्चन के जवाब को चेक कर सकते हो सही है या गलत है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका ये पहला सवाल दूसरे का कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तीन गुनी थी। क्या कह रहे हैं, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तीन गुनी थी, दस वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू के आयु के दो गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट कुछ बच्चों का मानना रहता है, सर क्या माने, तो जो अंतिम में पूछता रहता है नूरी और सोनू की आयु पूछा है ना, तो नूरी की आयु एक्स वर्ष, सोनू की आयु वाई वर्ष, तो क्या मानेंगे, सबसे पहला का माना नूरी की आयु एक्स वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है, वाई वर्ष है, कितनी है, वाई वर्ष। अब समझिएगा प्रथम शर्त, अब आपका बुक का प्रथम शर्त क्या करा है डियर स्टूडेंट, पांच वर्ष पूर्व, तो पांच वर्ष पूर्व, आज मैं अगर 35 साल 40 साल 50 साल के अगर होंगे
तो हम कह रहे हैं कि अगर आप 35-40 साल के हैं, 5 साल पहले कितने रहेंगे, अगर 35 होंगे तो 30 रहेंगे, 30 हैं तो 25 रहेंगे, यानी 5 साल कम हो रहा है ना, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी एक्स माइनस कितना हो जाएगा 5। अब नूरी 5 वर्ष कम हुए होंगी तो सोनू भी तो 5 वर्ष कम हुए, वाई माइनस कितना आ गया 5 आ गया, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5, 5 वर्ष कम हो गए। अब क्या करा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू के आयु के 3 गुनी है, तो नूरी की आयु सोनू के आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब क्या करेंगे, इसका हल करते हैं, ये x माइनस 5 आ गए, 3 का मल्टीप्लाई y करोगे 3y, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 3 पच्चे 15 हो गए। अब क्या करते हैं, क्रम से कर लेते हैं, ये x आ गए, ये 3y इधर आएंगे तो माइनस 3y, ये माइनस 5 है, ये प्लस माइनस 15 इधर आया क्या हो गया, प्लस 15 बराबर क्या हो गया, 0। x माइनस 3y माइनस 5 में से 15 घटा दोगे, 15 में से 5 घटाओगे, प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरा शर्त, क्या करते हैं, दूसरा शर्त, तो ध्यान से समझिएगा, दूसरा शर्त क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद क्या करें, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू के आयु के 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद, तो आज से अगर आप आज 21 साल के हो तो 10 साल बाद क्या हो जाओगे, 21 10 31, 10 साल बढ़ गए ना, तो 10 वर्ष बाद, तो प्यारे बच्चों 10 वर्ष बाद यानी x प्लस क्या हो जाएगा 10, नूरी जी भी 10 वर्ष बढ़ेंगी और सोनू भी बढ़ जाएगा 10 वर्ष, तो यानी क्या हो जाएगा वाई प्लस 10, समझिए, x प्लस 10 वाई प्लस 10, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु की, इनकी आयु इस आयु के कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। अब इसको हल करते हैं, x प्लस कितना आ गया 10, 2 का मल्टीप्लाई y किए 2y, 2 दहम में कितना आ गया 20, एक तरफ करते हैं, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, ये प्लस आपका 10 है, इधर आया तो माइनस 20, उधर कुछ नहीं बचा बराबर 0, x माइनस 2y, 10 में से 20 घटाए माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आप सोचिए, देखिए समीकरण 1 x, समीकरण 2 भी x, तो इन दोनों को घटा दे तो ये पद विलुप्त हो जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, फिर क्या है x माइनस 2y माइनस 10 बराबर कितना है 0 है। तो आप देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस करना है, ये माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, कैंसिल। अब देखिए माइनस 3y में से 2y घटा देंगे, माइनस 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई आ जाएगा, ये प्लस 10, ये प्लस 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20 बराबर 0, 20 उधर चले गए तो क्या हो गए माइनस 20, माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर 20, तो किसकी y किसका माने थे सोनू, यानी ये किसकी आयु हो गई सोनू की आयु हो गई, किसकी आयु हो गई सोनू की आयु कितने वर्ष हो गई 20 साल। अब किसकी y का मान चाहे एक में चाहे दो में रख सकते हैं, तो y बराबर 20 समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, ये है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, तो x यहाँ है माइनस 3, y के स्थान पे 20 प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 20 यानी 60 प्लस कितना है 10 बराबर 0, तो माइनस 60 में से 10 घटाओगे तो माइनस 50 बराबर 0, माइनस 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50, तो एक्स बराबर क्या आ गया 50, ये किसकी आयु आ गई नूरी की आयु आ गई, कितनी आ गई नूरी की आयु आ गई, ठीक। तो इस प्रकार आपका जो दूसरा पार्ट था वो भी समाधान हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है, मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खाचांजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा,
और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो लास्ट में 50 और 100 के नोटों की संख्या पूछा गया, क्या बताएंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तो माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या y। ठीक, अब आप समझिए। प्रथम शर्त ध्यान समझिएगा, प्रथम शर्त क्या करें, मीना कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। अब उस 25 के नोटों में 50 का भी नोट रहा होगा, 100 का भी नोट रहा होगा। अब कितने 50 हैं? x हैं। कितने 100 हैं? y हैं। तो ये दोनों मिलके मीना ने कितने नोट प्राप्त किए थे? 25। समीकरण नंबर क्या आ गया? फर्स्ट। अब दूसरा शर्त क्या है? अब सोचिए उन्होंने पूरा पैसे कितने निकाले थे? 2000 रुपये। कितने रुपए निकाले थे डियर स्टूडेंट? 2000 रुपये। अब उनमें 50 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं वो नहीं पता। अब मान तो लिए ना कि 50 कितने नोट थे, x, तो क्या हो जाएगा? 50x प्लस कितना है? 100y बराबर कितना है? 2000। अब ये हो गए, यानी 50 के नोट और 100 के नोट मिलके कितने हैं? 2000 है। अब देखिए, 50 से सब में भाग जा सकता है, तो 50 से भाग देने पर, तो जब 50 से भाग दोगे तो यहाँ 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, 50 दूनी 100 तो 2y, और यहाँ 50 चौके 200 यानी 40 आ गए। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो आप देखिए, x तो दोनों पद खुद विलुप्त हो जा रहे हैं, अब घटा दीजिए, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। माइनस करना है तो ये माइनस। तो देखिए, x से x कैंसिल हो गए, y में से 2i घटाओगे तो माइनस वाई आएगा, और 25 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 25 में से 40 घटाओगे तो माइनस 15 आ जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 15। यानी किसके नोटों की संख्या? 100 के नोटों की संख्या। ये किसके हैं? 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। तो 100 के नोटों की संख्या आ गई। अब क्या निकालना है? यही वाई का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो वाई बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। x, अब y के स्थान पे कितना है? 15 है बराबर 25। 15 उधर चले गए तो क्या हो गए? 25 माइनस 15। तो अब 25 में से 15 घटा दोगे, 10। यानी जो 50 के नोटों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। अब आपको उत्तर चेक करना है तो मिला सकते हैं, ये 50 के नोटों की संख्या है। किसकी है? 50 के नोटों की संख्या। अब x बराबर 10, y बराबर 15, 15 और 10 रख दीजिए, जोड़ दीजिए, 25 आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या कर रहे हैं? किराए पर पुस्तक देने वाली कोई पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या है डियर स्टूडेंट? जैसे आप 3 दिन बुक लेके गए तो 3 दिनों का आपको फिक्स किराया देना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं प्रथम 3 दिनों, तो समझिए, माना 3 दिनों का नियत किराया कितना है? एक्स रुपए है। ठीक, नियत किराया कितना है? एक्स रुपए है। आगे करें, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो अलग किराया यानी अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त
किराया वाई रुपए है, कितने हैं अतिरिक्त किराया वाई रुपए है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, चलिए प्रथम शर्त क्या लगाएंगे, प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त क्या कर रहे हैं वो जरा सा समझिएगा, कह रहे हैं कि सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, कितने दिन 7 दिन, कितने दिन 7 दिन। अब सोचो इस 7 दिन में तो 3 दिन का किराया कितना है एक्स है, 3 दिन का किराया कितना है एक्स है, तो बचे कितने दिन 4 दिन, यानी 1 दिन का वाई रुपए तो 4 दिन का 4 वाई, तो 3 दिन का एक्स और 4 दिन का 4 वाई, तो कितने मिल गए प्यारे बच्चों नियत किराया, तो 3 दिन के लिए तो किराया कितना है एक्स है और बचे 4 दिन, तो 4 दिन के लिए क्या हो जाए 4 वाई, बराबर कितने रुपए दिए 27 रुपए। समीकरण नंबर 1, कितने दिन लेके गए थे 7 दिन, कितने दिन लेके गए थे 7 दिन। अब इसमें से 3 दिन जो है, 3 दिन का तो उनको कितना देना है एक्स रुपए, बचे कितने दिन 4 दिन, तो 4 दिनों का क्या हो गया 4 वाई, क्यों 1 दिन का वाई था। ठीक, दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या है, आगे कह रहे हैं कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा करती, कितने दिन 5 दिन, तब बताओ 5 दिन में 3 दिन का तो उनको कितना देना है एक्स रुपए, तो एक्स रुपए हो गए, बचे कितने दिन 2 दिन, तो 2 दिन के लिए 2 वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21 रुपए अदा किए, कितने 21। समीकरण नंबर 2, आप देखिए इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो खुद पद विलुप्त हो जाएंगे, किसी का मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 में से 2 वाई घटा दोगे 2 वाई, 27 में से 21 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, वाई बराबर कितना आ गया 3, तो ये वाई बराबर क्या आ गया 3, यानी अतिरिक्त किराया कौन आया, ये अतिरिक्त किराया कौन आया अतिरिक्त किराया। अब वाई का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21 है। ठीक, वाई के स्थान पे क्या रखना है 3 रखना है, तो 2 × 3 बराबर 21। ठीक, अब क्या करेंगे 2 × 3 6, एक्स प्लस 6 बराबर 21, प्लस 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6, 21 माइनस 6, 21 में से 6 घटा दिए कितना आ गया 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ये क्या है नियत किराया है, क्या है नियत किराया, क्या है नियत किराया, कितने रुपए दिए थे, कितने रुपए दिए थे 27 रुपए दिए थे। ठीक, कितने रुपए दिए थे भैया ये 27 रुपए, तो ध्यान से समझिएगा, तो 27 यहाँ देखिए एक मिनट, 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आएंगे डियर स्टूडेंट, कितना आएगा 15, तो 15 नियत किराया कितना है 15 रुपए है और अतिरिक्त किराया है कितना 3 रुपए, तो कितने दिन रहे थे 4 दिन, 4 × 3 = 12 और ये 15 12 रख दिए 27, आपके आंसर सही हो गए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आज का जो क्लास है यहाँ पर समाप्त होता है, आपके इस अध्याय के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए गए। डियर स्टूडेंट अगर एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी एक वर्ड में या किसी भी एक शब्द में प्रॉब्लम आते हैं, डाउट बनते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और एक बार वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, क्योंकि आप अब ये समझ के पढ़िएगा कि आज अब मुझे एक बार पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलने वाले हैं। डियर स्टूडेंट इस सवाल को या किसी भी एक्सरसाइज को अब एक बार ही पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के जो टाइम टेबल हैं वो इतने जल्द आ चुके हैं या आ गए हैं, अब आपको जो है बार बार पढ़ने के लिए, एक सवाल को बार बार लगाने के लिए उतने टाइम नहीं बचे हैं। तो डियर स्टूडेंट एक बार यानी ओनली वन शॉट इज क्लियर, यानी आपको एक शॉट खेलना है और वो शॉट क्या हो जानी चाहिए क्लियर होने चाहिए, कहीं आपको उसमें कैच और ये सब रन आउट या कैच आउट, क्रिकेट खेलते होंगे तो उस सब की झमेले नहीं होने चाहिए डियर स्टूडेंट। तो
प्यारे बच्चों, आज की क्लास अगर समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और जब तक एग्जाम नहीं समाप्त हो जाते तब तक ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस आपके साथ है और हर एक पल की बात, हर एक एग्जाम से रिलेटेड जुड़े हुई बातें आपको शेयर करेंगे। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।